Hello everyone, I'm Professor N.B. Chatte, welcomes you all in the 33rd lecture of Industrial AC Machine subject. So my dear students, we have discussed about the two methods for finding the voltage regulation in the last lecture. That is, first method is synchronous impedance method. तो ये हमने दो method देखे थे last lecture में, जिसमें first method देखी थी हमने वोल्टेज रेगुलेशन थ्री फेज अल्टरनेटर का फाइंड आउट करने के लिए. हमने एक सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड को डिस्कस किया था और सेकंड मेथड देखी थी हमने एम्पियर टर्न मेथड और इट इज आल्सो कॉल्ड एज ईएमएमएफ मेथड. तो ये दो मेथड हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करने के लिए. अभी उसमें एक थर्ड मेथड देखनी है हमें, वो होती है जीरो पावर फैक्टर मेथड और पोटायर मेथड और पोटायर ट्रायंगल मेथड भी बोलते हैं उसको. ठीक है, तो ये मेथड में देखेंगे क्या क्या होता है. सो दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप एंड आर्मेचर रिएक्शन एफेक्ट्स. ये मेथड में क्या किया जाता है कि आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप जो होता है एंड आर्मेचर रिएक्शन के जो इफेक्ट्स होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है. ठीक है, या मेथड मध्ये काय केलं जातं, आर्मेचर लीकेज रिएक्टन्स ड्रॉप आणि इथले आर्मेचर रिएक्शनचे इफेक्ट्स सेपरेट केले जातात. आर्मेचर रिएक्शनचे इफेक्ट्स आपण ऑलरेडी पाहिलेले आहेत. ठीक आहे, तीन इफेक्ट पाहिले आपण आर्मेचर रिएक्शनचे, त्यामध्ये पहिला आहे क्रॉस मॅग्नेटायझिंग इफेक्ट, दुसरा आहे डी मॅग्नेटायझिंग इफेक्ट आणि तिसरा आहे पहिला आपण मॅग्नेटायझिंग इफेक्ट. ठीक आहे, असे तीन इफेक्ट्स आपण आर्मेचर रिएक्शनचे ऑलरेडी पाहिलेले आहेत. ठीक आहे, या मेथड मध्ये काय सांगितलं मी, आर्मेचर लीकेज रिएक्टन्स ड्रॉप आणि आर्मेचर रिएक्शनचे इफेक्ट सेपरेट केले जातात आणि त्याच्यावरती ही मेथड आपली डिपेंड असते. सो हेन्स इट गिव्स मोर ऍक्युरेट रिझल्ट्स, और उसकी वजह से यहाँ पे अपने कुछ ज्यादा ऍक्युरेट रिझल्ट्स यहाँ पे मिलते हैं. सो इट मेक्स अ यूज ऑफ फर्स्ट टू मेथड्स टू सम एक्सटेंट. और यहाँ पे जो दो फर्स्ट मेथड्स देखे थे हमने वो सम एक्सटेंट पे यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं उनको. ठीक है, नाउ द एक्सपेरिमेंटल डेटा रिक्वायर्ड इज, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल डेटा क्या क्या रिक्वायर्ड होता है अपने को ये दिया है. उसमें फर्स्ट होता है लगता है अपने को रिक्वायर्ड होता है डेटा नो लोड कर्व का, एंड सेकंड फुल लोड जीरो पावर फैक्टर कर्व का डेटा हमें रिक्वायर्ड होता है. सो दिस फुल लोड जीरो पावर फैक्टर कर्व दैट इज नॉट शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, ये शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, लेकिन उसको दूसरा नाम है वैटलेस लोड कैरेक्टरिस्टिक. तो ये क्या होता है वैटलेस लोड कैरेक्टरिस्टिक, इसका ये डेफिनेशन यहाँ पे दिया है. इट इज द कर्व ऑफ टर्मिनल वोल्ट्स अगेंस्ट एक्साइटेशन. ये कर्व होता है टर्मिनल वोल्ट्स अगेंस्ट एक्साइटेशन का, जिसमें आर्मेचर क्या करता है वहां पे फुल लोड करंट को डिलीवर करता है जीरो पावर फैक्टर पे. ठीक है, वैटलेस लोड कैरेक्टरिस्टिक म्हणजे काय, हा एक कर्व असतो टर्मिनल वोल्ट्स अगेन्स्ट एक्साइटेशनचा, त्याच्यामध्ये आर्मेचर काय करत असतं तिथलं फुल लोड करंटला डिलिव्हर करत असतं झिरो पॉवर फॅक्टरला. ठीक आहे, त्याला म्हणतो आपण वॅटलेस लोड कॅरेक्टरिस्टिक. नेक्स्ट पॉइंट दिला आहे द रिडक्शन इन वोल्टेज ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन इज फाउंड फ्रॉम अबव. जे रिडक्शन होतंय व्होल्टेजमध्ये आर्मेचर रिएक्शनमुळे ते आपण हे वरच्या ह्यानं फाउंड करू शकतो, फाइंड करू शकतो. आणि वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू द आर्मेचर लीकेज रिएक्टन्स एक्सेल इज फाउंड फ्रॉम बोथ. या दोन्ही पासून आपण काय करू शकतो, तिथलं वोल्टेज ड्रॉप जे होतोय आर्मेचर लीकेज रिएक्टन्स मुळे म्हणजेच एक्सेल मुळे, त्याला पोटायर रिएक्टन्स असं सुद्धा म्हटलं जातं. आर्मेचर लीकेज रिएक्टन्स एक्सेलला पोटायर रिएक्टन्स सुद्धा म्हटलं जातं. आणि त्यावर या दोन्ही वरून ते आपण फाइंड आउट करू शकतो. आणि हे दोन जर आपण कंबाईन केले तर आपल्याला तिथं ई झिरो ची व्हॅल्यू सुद्धा कॅल्क्युलेट करता येते. ठीक आहे, नाउ यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है, ये कर्व दिख रहा है, जहां पे एक्स एक्सिस पे हमने फील्ड करंट डिनोट किया है, वाई एक्सिस पे हमने ईएमएफ डिनोट किया है. और ये जो कर्व है आपको ये दिख रहा है, ये नो लोड का कर्व है, और ये जो है आपका वो होता है आपका पावर फैक्टर, यानी ये फुल लोड का कर्व रहेगा आपका. ठीक है, और यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल फॉर्म किए हुए दिख रहे हैं. ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, ये दूसरा ट्रायंगल है, और यहाँ पे एक तीसरा ट्रायंगल दिख रहा है आपको.
तो यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म किए होते हैं, तो उसकी वजह से उसको नाम दिया है पोटायर ट्रायंगल मेथड। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है देखो, इट शुड बी नोटेड दैट इफ वी वेक्टोरियली एड टू वी द ड्रॉप ड्यू टू रेजिस्टेंस एंड लीकेज रिएक्टेंस एक्स, अगर हम वहां के वी में यानी वोल्टेज में जो ड्रॉप होता है रेजिस्टेंस में एंड लीकेज रिएक्टेंस में यानी एक्सएल में, वो ड्रॉप दोनों ड्रॉप हमने अगर वी में वेक्टोरियली ऐड किए तो हमें वैल्यू मिलती है वहां पे ई की यानी इंड्यूस ईएमएफ की। ठीक है, वी म्हणजे वोल्टेज मध्ये जर आपण तिथले दोन ड्रॉप जर ऍड केले, कुठले ड्रॉप आहेत, ड्रॉप ड्यू टू दी रेजिस्टन्स आणि ड्रॉप ड्यू टू दी लिकेज रिएक्टन्स, हे दोन ड्रॉप जर आपण वेक्टोरियली व्ही मध्ये ऍड केले तर आपल्याला व्हॅल्यू मिळते ई ची म्हणजेच इंड्यूस ई एम एफ ची। आणि इफ ई इज फर्दर ऍडेड टू द ड्रॉप ड्यू टू दी आर्मेचर रिएक्शन, जर आपण ई हा फर्दर ऍड केला तिथल्या ड्रॉप मध्ये ड्यू टू दी आर्मेचर रिएक्शन मुळे जो ड्रॉप होतोय त्यामध्ये जर आपण ई फर्दर ऍड केला तेव्हा तिथला पॉवर फॅक्टर आपण अज्यूम करतो लॅग इन पॉवर फॅक्टर असणार आहे, तेव्हा आपल्याला व्हॅल्यू मिळते ई झिरोची, त्याची व्हॅल्यू मिळते आपल्याला ई झिरोची। ई हा आपण फर्दर ऍड केला आर्मेचर रिएक्शनच्या ड्रॉप मध्ये तेव्हा आपल्याला काय मिळते, कशाची व्हॅल्यू मिळते, ई झिरोची। क्लिअर आहे, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको ई झिरो। सो झिरो पॉवर फॅक्टर लॅगिंग कर्व ऑप्टेन होता है हमें ये तीन कंडीशन के लिए। उसमें फर्स्ट कंडीशन है देखो, इफ अ सिमिलर मशीन इज अवेलेबल विच मे बी ड्रिवन एट नो लोड एज अ सिंक्रोनस मोटर एट प्रैक्टिकली जीरो पावर फैक्टर, अगर वहां पे सिमिलर मशीन अवेलेबल है और वो नो लोड पे ड्रिवन हो रही है एज अ सिंक्रोनस मोटर बोल के, लेकिन उसका प्रैक्टिकली पावर फैक्टर कितना होना चाहिए, जीरो, तब हमें वहां पे जीरो पावर फैक्टर लैगिंग कर्व ऑप्टेन करने आता है। ठीक है, म्हणजे सिमिलर मशीन जर अवेलेबल असेल तिथं पण ती कशी ड्रिवन व्हायला पाहिजे, नो लोड वरती ड्रिवन व्हायला पाहिजे सिंक्रोनस मोटर म्हणून, आणि तिचा प्रॅक्टिकली पॉवर फॅक्टर किती असायला पाहिजे, झिरो, तेव्हाच तिथं आपल्याला झिरो पॉवर फॅक्टर लॅगिंग कर्व ऑप्टेन करता येतो। ठीक आहे, सेकंड कंडिशन आहे बाय लोडिंग द अल्टरनेटर विथ प्युअर रिएक्टर्स, आपण अल्टरनेटरला जर लोड प्रोव्हाइड केला प्युअर रिएक्टरच्या साह्यानं तरी सुद्धा आपल्याला तिथे झिरो पॉवर फॅक्टर लॅगिंग कर्व ऑप्टेन करता येतो। अँड थर्ड बाय कनेक्टिंग द अल्टरनेटर टू अ थ्री फेज लाईन विथ अॅमीटर्स अँड वॅटर्स कनेक्टेड फॉर मेजरिंग द करंट अँड पॉवर, आपल्याला तिथं अल्टरनेटर कनेक्ट करायचे थ्री फेज लाईनला अॅमीटर्स आणि वॅट मीटरच्या साह्यानं, आणि हे अॅमीटर्स आणि वॅट मीटर कशासाठी कनेक्ट करायचे, आपल्याला तिथलं करंट आणि पॉवर मेजर करण्यासाठी। अँड बाय सो ॲडजस्टिंग द फील्ड करंट दॅट वी गेट द फुल लोड आर्मेचर करंट, आणि आपल्याला तिथला फील्ड करंट अशा प्रकारे ॲडजस्ट करायचा आहे की जेणेकरून आपल्याला तिथं फुल लोड आर्मेचर करंट मिळाला पाहिजे विथ झिरो वॅट मीटर रिडिंग, पण वॅट मीटरची रिडिंग कशी असायला पाहिजे, झिरो। ठीक आहे, अशा प्रकारे आपल्याला तिथं फील्ड करंट आहे अशा प्रकारे ॲडजस्ट करायचा आहे की आपल्याला तिथं फुल लोड आर्मेचर करंट मिळाला पाहिजे पण वॅट मीटरची रिडिंग कशी असायला पाहिजे, झिरो। या तीन कंडिशनला आपल्याला झिरो पॉवर फॅक्टर लॅगिंग कर्व तिथं ऑप्टेन करता येतो। क्लिअर आहे, नाउ व्हॉट इज द प्रोसिजर प्रोसिजरल स्टेप्स फॉर द पोटायर मेथड, पोटायर मेथड साठी प्रोसिजरल स्टेप्स आहेत तिथं काही, त्या प्रोसिजरल स्टेप्स आपण पाहणार आहे। ठीक आहे, सो फर्स्ट स्टेप आहे, सपोज वी आर गिविंग व्ही द टर्मिनल वोल्टेज पर फेज, आपण असं सपोज करू अज्यूम करू की आपण काय करतोय की व्ही जे आहे म्हणजेच वोल्टेज जे आहे ते टर्मिनल वोल्टेज पर फेज घेऊ आपण। ठीक आहे, आणि हे टर्मिनल वोल्टेज पर फेज व्हॅल्यू आपण तिथं देतोय अल्टरनेटरला, राईट। फर्स्ट हा फर्स्ट पॉइंट आहे। सेकंड पॉइंट जे आहे, वी विल बी गिवन ऑर एल्स वी कॅन कॅल्क्युलेट आर्मेचर लिकेज रिएक्टन्स एक्सएल, वी विल बी गिवन ऑर एल्स वी कॅन कॅल्क्युलेट द आर्मेचर लिकेज रिएक्टन्स, आपण तिथं कॅल्क्युलेट करणार आहेत आर्मेचर लिकेज रिएक्टन्स एक्सएलला, अँड हेन्स कॅन कॅल्क्युलेट द आय एक्सएल, आणि त्यावरून आपल्याला आय एक्सएलची व्हॅल्यू सुद्धा तिथं कॅल्क्युलेट करता येईल। ठीक आहे, ही सेकंड प्रोसिजरची मेथड स्टेप आहे। थर्ड आहे, ॲडिंग आय एक्सेल
अँड आय आर ए इफ गिवन. आय आर ए जर दिलेला असेल तर त्यामध्ये आय एक्स एल ऍड करायचं व्हेक्टोरियली टू व्ही, ते व्हेक्टोरियली ऍड करायचे व्ही मध्ये, जेणेकरून आपल्याला व्होल्टेज ई मिळालं पाहिजे तिथे. ठीक आहे, आता इथे एक फेजर डायग्राम दिसते तुम्हाला, यामध्ये हा पहा व्होल्टेजचा फेजर, रेफरन्स फेजर घेतला आपण, हा करंटचा लॅगिंग कंडिशन मध्ये घेतला फाय अँगलला, आणि या व्ही मध्ये व्हेक्टोरियली ऍड करायचं आपल्याला आय आर ए ड्रॉप. तो आय आर ए प्लस त्याच्यामध्ये आणखी एक ड्रॉप ऍड करायचा आपल्याला लिकेज रिएक्टन्सचा ड्रॉप म्हणजे आय एक्स एलचा, आणि त्याच्यानंतर आपल्याला हा ड्रॉप ऍड करायचा दॅट इज आय एक्स एल. ठीक आहे, हे ड्रॉप ऍड केले आपण इथे दिलेला पॉइंट, थर्ड स्टेप दिलेली ऍडिंग आय एक्स एल अँड आय आय आर ए व्हेक्टोरियली इन दी व्ही. व्ही मध्ये आपण हे व्हेक्टोरियली ऍड केले दोन ड्रॉप, आणि त्यापासून आपल्याला काय मिळाला मग हा ईचा फेजर, त्याच्याचा फेजर ईचा. सो वी विल नेक्स्ट फाइंड फ्रॉम नो लोड कर्व. आता नंतर आपण फाइंड आउट करणार आहे नो लोड कर्व पासून फील्ड एक्सायटेशन फॉर दी व्होल्टेज ई. ई साठी फील्ड एक्सायटेशन आपण नो लोड कर्व पासून फाइंड आउट करणार आहे, अँड लेट इट बी आय एफ वन. एक्सायटेशन काय असेल आपलं, आय एफ वन असेल. ठीक आहे, फर्दर फील्ड करंट आय एफ टू नेसेसरी फॉर बॅलेन्सिंग दी आर्मेचर रिएक्शन इज फाउंड फ्रॉम कोटायर करंट. नंतर आपण फील्ड करंट जो आहे आपला आय एफ टू, तो नेसेसरी असणार आहे इथल्या आर्मेचर रिएक्शनला बॅलेन्स करण्यासाठी, तो फाउंड करणार आहे आपण कोटायर ट्रायंगल पासून. ठीक आहे, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये कोटायर ट्रायंगल है आपको, और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, वहां पे आई एफ टू फील्ड करंट आई एफ टू जो नेसेसरी होता है वहां के आर्मेचर रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो कोटायर ट्रायंगल. देन सिक्स स्टेप दिया है कंबाइन आई एफ एन आई एफ वन एंड आई एफ टू वेक्टोरियली. आई एफ वन एंड आई एफ टू को क्या करना है आपको, वेक्टोरियली ऐड करना है एज इन ए टी मेथड, एम्पियर टर्न्स मेथड, टू गेट इट टू गेट आई एफ. आई एफ वन एंड आई एफ टू को आपको कंबाइन करना है वेक्टोरियली, जैसे हमने एम्पियर टर्न्स मेथड में किया था, ताकि हमें वहां पे आई एफ की वैल्यू मिल सके. ठीक है, तो आई एफ इज इक्वल टू आई एफ वन प्लस आई एफ टू लिख सकते हैं, कंबाइन करना है दोनों. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है रीड फ्रॉम नो लोड कर्व. नो लोड कर्व से हमें रीड करना है ई एम एफ करस्पॉन्डिंग टू आई एफ, आई एफ करस्पॉन्डिंग टू आई एफ पे वहां पे जो ई एम एफ है उसको रीड करना है नो लोड कर्व से, एंड दिस गिव्स अस ई जीरो, तब वहां पे हमें ई जीरो की वैल्यू मिलती है, एंड हेंस रेगुलेशन कैन बी फाउंड. तब हमें वहां पे रेगुलेशन फाइंड आउट करना है, और रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या है आपको मालूम है, ई जीरो माइनस वी डिवाइडेड बाय ई जीरो इंटू 100. ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी देखा है फर्स्ट टू मेथड में भी. ठीक है, तो ये हो गया आपका कोटायर ट्रायंगल मेथड. क्लियर, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट पॉइंट है अपना यहाँ पे डायरेक्ट लोडिंग मेथड. तो डायरेक्ट लोडिंग मेथड में क्या क्या दिया है देखो, ये डायग्राम है इसमें, ये प्राइम मूवर है आपका, तो प्राइम मूवर मैकेनिकली कपल्ड करना है आपको अल्टरनेटर को, ये अल्टरनेटर की वाइंडिंग जो है आर्मेचर वाइंडिंग, इसको स्टार में कनेक्ट किया है अपन, तो स्टार कनेक्टेड आर्मेचर वाइंडिंग स्टार है, तो इसमें आर फेज वाई फेज और पी फेज की वाइंडिंग दिखाएंगे. ठीक है, जो कि स्टार में कनेक्टेड है, ये हर एक फेज में से करंट फ्लो होगा आपका, आर फेज में से आई ए करंट फ्लो होगा आपका. ठीक है, तो यहाँ पे एक एमीटर कनेक्ट किया है उसको मेजर करने के लिए लोड करंट को आई एल, ये वाई फेज और बी फेज में यहाँ पे एक वोल्टमीटर कनेक्ट किया है पैरेलल में, ये दोनों में वहां पे हम वी एल की वैल्यू मेजर करेंगे, यहाँ पे आई एल मेजर करेंगे, यहाँ पे वी एल मेजर करेंगे, और यहाँ पे टी पी एस की स्विच दिया है, यानी आपका ट्रिपल पोल सिंगल थ्रो स्विच है ये, और इसको हमने एक लोड कनेक्ट किया है ट्रिपल लोड, और अल्टरनेटर को हमें एक्सटर्नल डीसी सप्लाई देना होता है उसके फील्ड वाइंडिंग को, तो ये फील्ड वाइंडिंग यहाँ पे दिखाई है, ये फील्ड वाइंडिंग के दो टर्मिनल्स है एफ वन एफ टू, फील्ड वाइंडिंग में एक रियोस्टेट कनेक्ट किया है और वहाँ पे एक एमीटर कनेक्ट किया है, वो एमीटर पे हम फील्ड करंट की वैल्यू मेजर कर सकते हैं आई एफ की. ठीक है,
और यहाँ पे हमें फील्ड वाइंडिंग को क्या करना है, एक्सटर्नल डीसी सप्लाई देना है, यानी इसको ही हम एक्साइटर बोलते हैं। तो दिस इज द डायग्राम फॉर द डायरेक्ट लोडिंग है, ठीक है। तो हमें क्या क्या दिया है देखो यहाँ पे, अभी इसमें क्या क्या दे बोल सकते हैं अपन। देखो यहाँ से भी हम डायरेक्ट लोडिंग मेथड से भी है हमने हम वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो द एक्साइटेशन हियर इज एडजस्टेड सच दैट, हमें ये एक्साइटेशन को ऐसी तरह से इस तरह से एडजस्ट करना है दैट द वोल्टेज डेवलप्ड गिव्स, जो वोल्टेज डेवलप होगा वहां पे इट गिव्स अ रेटेड फुल वैल्यू अक्रॉस द लोड टर्म, ये जो लोड टर्मिनल्स है उसके अक्रॉस हमें क्या मिल सके, रेटेड वैल्यू मिल सके। इस तरीके से हमें ये एक्साइटेशन को क्या करना है, एडजस्ट करना है। ये जो एक्साइटेशन देते हो अपन फील्ड वाइंडिंग ला, म्हणजे एक्सटर्नल डीसी सप्लाई जो देते हो अपन, तो अशा प्रकारे ऍडजस्ट करायचं आहे इथलं वोल्टेज की जेणेकरून आपल्याला या लोड टर्मिनलच्या अक्रॉस मध्ये त्याची रेटेड व्हॅल्यू मिळाली पाहिजे, ठीक आहे। सो दिस व्हॅल्यू ऑफ एक्साइटेशन इज मेंटेन कॉन्स्टंट, आणि त्या एक्साइटेशनची जी व्हॅल्यू आहे ती आपल्याला कॉन्स्टंट मेंटेन ठेवायची। अँड नाऊ इफ दिस लोड इज रिमूव्ह, जर आपण हा लोड जर रिमूव्ह केला then it is found that the voltmeter gives a different reading than the earlier reading. हे जे voltmeter आहे हे different reading show करेल earlier reading पेक्षा जेव्हा हा load काय होईल आपण remove करू तेव्हा, ठीक आहे। आणि मग तिथला voltage regulation कसं find out करता येईल, तर voltage regulation ची definition काय सांगितली आपण, it is change in terminal voltage, ठीक आहे, terminal voltage मध्ये जो change होतो across the armature winding terminal. This change in terminal voltage across the armature winding terminals when the load is thrown off, जेव्हा लोड आपण रिमूव्ह करणार आहे तेव्हा जो टर्मिनल व्होल्टेज मध्ये जो चेंज होतोय, ठीक आहे, फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड म्हणत होतो ना आपण डेफिनेशन, तसंच आहे चेंज इन सेकंडरी टर्मिनल व्होल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड मेजर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ फुल लोड व्होल्टेज, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द व्होल्टेज रेग्युलेशन, ठीक आहे। आणि म्हणून परसेंटेज रेग्युलेशनचा फॉर्म्युला काय लिहितो आपण, व्होल्टेज ऍट नो लोड मायनस व्होल्टेज ऍट फुल लोड डिवाइडेड बाय व्होल्टेज ऍट फुल लोड इन 200, म्हणजे ई फेज मायनस व्ही फेज डिवाइडेड बाय व्ही फेज इन 200, असा फॉर्म्युला लिहू शकतो आपण व्होल्टेज रेग्युलेशन, ठीक आहे। नाउ या मेथड मध्ये काय काय करायचं आहे आपल्या ते पाहू आपण, ठीक आहे। हियर स्टार कनेक्टेड आर्मेचर इज कनेक्टेड टू दी थ्री फेज लोड, हे स्टार कनेक्टेड आर्मेचर आहे आपलं, हे दिसते तुम्हाला डायग्राम मध्ये, हे स्टार कनेक्टेड आर्मेचर आहे आपलं, हे कुठं कनेक्ट करायचं आहे आपल्याला, थ्री फेज लोडला कनेक्ट करायचं आहे। नेक्स्ट पॉइंट आहे द फील्ड वाइंडिंग इज एक्साइटेड बाय सेपरेट डीसी सप्लाय, यहाँ पे दिख रहा है आपको फील्ड वाइंडिंग को सेपरेट हमने डीसी सप्लाई दिया है, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट यह है टू कंट्रोल द फ्लक्स दैट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द फील्ड वाइंडिंग, वहां के फ्लक्स को कंट्रोल करने के लिए यानी जो करंट फ्लो हो रहा है आपके फील्ड वाइंडिंग में से, रिहोस्टैट इज इंसर्टेड इन सीरीज विद द फील्ड वाइंडिंग, वहां पे एक रिहोस्टैट इंसर्ट करना है आपको फील्ड वाइंडिंग में, जो कि डायग्राम में दिखाया था आपको, यहाँ पे ये यहाँ पे रिहोस्टैट कनेक्ट किया है ताकि फील्ड करंट को हम क्या करें कंट्रोल कर सकें, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट दिया है। नाउ द प्राइम मूवर ड्राइव्स द अल्टरनेटर एट इट्स सिंक्रोनस स्पीड, वहां का प्राइम मूवर क्या करेगा अल्टरनेटर को ड्राइव करेगा सिंक्रोनस स्पीड पे। प्राइम मूवर आप कौन सा भी यूज कर सकते हो, अलग अलग टाइप्स के प्राइम मूवर होते हैं अपने पास, स्टीम टर्बाइन है, वाटर टर्बाइन है, डीजल इंजन है, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक मोटर्स आप प्राइम मूवर बोल के यूज कर सकते। तो प्राइम मूवर क्या करेगा अल्टरनेटर को रेटेड सिंक्रोनस स्पीड पे उसको ड्राइव करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हियर ई फेज का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं फिर अपन, ई फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइ, हम ये ईएमएफ इक्वेशन से भी बोल सकते हैं ई फेज किसको प्रोपोर्शनल होता है वहां फ्लक्स को, ठीक है। नाउ परसेंटेज रेगुलेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अपन, ई फेज माइनस वी फेज डिवाइडेड बाय वी फेज इन 200, ये परसेंटेज रेगुलेशन का फॉर्मूला बोला था हमने, ठीक है। ई फेज यानी आपका नो लोड का वोल्टेज रहेगा, वी फेज यानी आपका फुल लोड का वोल्टेज रहेगा, और इसमें जो चेंज हो रहा है चेंज इन सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज
यानी बी फेज रहेगा आपका चेंज इन सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज फ्रॉम नो लोड। नो लोड का सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज होगा आपका ई फेज एंड फुल लोड का सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज होगा आपका बी फेज, और उसमें जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से यहाँ पे माइनस साइन किया। समझ लो ये नो लोड से जो सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज आहे ते ई फेज असणार आहे आणि फुल लोड से जो सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज असणार आहे ते असणार आहे बी फेज। आणि मग जो चेंज होतोय सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज मध्ये फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड चेंज होतोय म्हणून इथे माइनस साइन दिले, म्हणून ई फेज माइनस बी फेज डिवाइडेड बाय बी फेज इंटू 100 हा आहे आपला परसेंटेज रेजिस्टन्सचा फॉर्म्युला। ठीक आहे नाउ फॉर हाई कैपेसिटी अल्टरनेटर्स, जो हाई कैपेसिटी के अल्टरनेटर्स होते हैं दैट मच फुल लोड कैन नॉट बी सिमुलेटेड, वहाँ पे फुल लोड को हम सिमुलेट नहीं कर सकते हैं और डायरेक्टली कनेक्टेड टू द अल्टरनेटर या फिर वो डायरेक्टली अल्टरनेटर को भी कनेक्ट नहीं कर सकते हैं अपन, हेंस मेथड इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली फॉर स्मॉल कैपेसिटी अल्टरनेटर। तो उसकी वजह से ये जो मेथड होती है वो सिर्फ स्मॉल कैपेसिटी अल्टरनेटर के लिए ही हम यूज कर सकते हैं। ठीक है समझ में आया, तो ये है आपका डायरेक्ट लोडिंग। डाउट है इसमें? ठीक है ये है आपका डायरेक्ट लोडिंग। तो यहाँ पे हम रुकेंगे, ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में हम और दो मेथड देखने हैं दैट इज ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टाइप अल्टरनेटर की, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो इस डायरेक्ट लोडिंग मेथड में आपको किसी को डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है और ये पोटाया ट्रायंगल मेथड है, ऐसी दो मेथड हम देखें, ये तीन मेथड जो थे हमने उसमें से ये थर्ड मेथड आज के लेक्चर में देखा हमने, और ये डायरेक्ट लोडिंग मेथड हमने वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करने के लिए देखी है। और दो मेथड्स है इसमें, एक है ओपन सर्किट टेस्ट एंड दूसरी है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ऐसे तीन मेथड से हम वोल्टेज रेगुलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दैट विल बी सीन इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है विल स्टॉप हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके थैंक यू वेरी मच।